हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और चलिए सामने आपके बेलन है और शंकु है, तो कुछ मज़ेदार चीज़ें हम आपको सिखाते हैं और कैसे आप किसी फॉर्मूला को याद भी रखेंगे। बड़ा आसान टेक्निक है इसको याद रखने का, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और इसके बाद हम बेलन, शंकु, गोला तीनों से संबंधित सवाल भी इसी वीडियो में हम लेके आए हैं, तो बने रहिएगा, भागिएगा मत, क्योंकि हम कुछ सिखा देंगे आपको। सबसे पहले आप ये देखिए, बेलन है ना, अपने सारे फॉर्मूले रटे हैं, बेलन के बारे में आपको पता है, मैंने इसकी वीडियो भी पहले से बना रखी है। तो ये जो बेलन आप देख रहे हैं, तो ये बेलन का आयतन क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए बेलन का आयतन क्या होता है। आपको याद होगा, याद होगा, नहीं याद है तो सोचिए, कोई भी ऐसी आकृति, कोई भी ऐसी आकृति जिसका छतरी अपेंदा समान है, मतलब वैसा ही है, तो बड़ा सिंपल है, नीचे का एरिया गुना ऊंचाई, नीचे का एरिया गुना ऊंचाई। जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, इसका जो है छतरी या पेंदा एक वृत्त है, वृत्त है, और वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसमें ऊंचाई भी है बेलन, तो ऊंचाई से गुना, ये हो गया आपको बेलन का आयतन। पाई आर स्क्वायर एच आप याद करते हैं, बेलन का आयतन याद करते हैं ना, बहुत सिंपल है। अब देखिए, इसी में अगर आप कहेंगे कि सर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए ना, तो बड़ा सिंपल है, इसके लिए क्या करना होगा कि चारों तरफ के बाउंड्री, ठीक है, जैसे वृत्त का क्या होता है, वो परिधि होता है, ये होता है ना परिधि, अब परिधि में ऊंचाई से गुना कर दीजिए। ये देखिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये ऊपर नीचे वाला छोड़ के, तो आप देखिए इसके घेरा, और घेरा में ही ऐसे मान लीजिए कि ये दीवार लगा हुआ है, तो आपको घेरा कितना होगा इसका, 2πr होता है वृत्त की परिधि, और h से गुना कर दीजिएगा क्योंकि ऊंचाई है इसमें, तो 2πrh इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। और इसी में अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जानना है, अच्छा देखो 2πr आप इतना जानते थे, 2πr क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है, उसमें ऊंचाई से गुना हो गया, तो यह परिधि पूरा और इसमें ऊंचाई से गुना हो गया, तो हमारा 2πrh हो गया। इपेंदा छतरी छोड़ के जितना भी चारों साइड से एरिया है वो निकल गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पता करना है तो इसी में जोड़ना होगा, क्या जोड़ना होगा भाई, संपूर्ण का मतलब कुछ नहीं छूटना चाहिए, सब आ जाना चाहिए, तो एक ऊपर मैंने छोड़ा है, एक नीचे छोड़ा है, यानी दूगो वृत्त का एरिया छोड़ दिया है, तो एक वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, दूगो वृत्त का छोड़ दिया है तो दूगो और इसमें जोड़ लीजिए, यानी 2πr² इसी में जोड़ दीजिएगा वक्र पृष्ठ वाला में, तो 2πr कॉमन ले सकते हैं, 2πr कॉमन ले सकते हैं, और इसमें का बच जाता है h प्लस, इसमें का देखिए r स्क्वायर है तो r एक गया है कॉमन, एक r तो बच गया ना, इसलिए 2πr इंटू एच प्लस r, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। दोस्तों तो आपको याद हो गया कि बेलन का आयतन, एक वृत्त है नीचे तो वृत्त का एरिया गुना ऊंचाई, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसके परिधि गुना ऊंचाई, वृत्त के परिधि गुना ऊंचाई, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया तो वक्र पृष्ठ के एरिया में पेंदा और छतरी दोनों ऐड कर दिए, दो गो वृत्त और जुड़ गया, दो वृत्त का एरिया, एक ऊपर वाला वृत्त एक नीचे वाला वृत्त, तो पाई आर स्क्वायर जुड़ गया, आ गया 2πr इंटू एच प्लस आर। बड़ा रोचक चीज है दोस्तों, और आपको और बेहतरीन रोचक चीज हम आपको बताने वाले हैं। यह जो बेलन है ना, बेलन का आयतन आपने याद किया पाई आर स्क्वायर एच, तो वृत्त वाला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो इसका आयतन हो गया। जरा गौर करिएगा, मैं अगर इसको ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, तो आप यहां पर देखिए ये हमारा जो है बेलन कितने भाग में बट गया बताइए, तो टोटल ये तीन भाग में बट गया, यानी कि एक तिहाई हो गया। ये हम निकाल लिए बेल, ये शंकु, शंकु निकाल लिए, तो पूरे बेलन का कितना हो गया, एक तिहाई हो गया, ये हो गया किसका वॉल्यूम, शंकु का, ये शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यही तो याद करते थे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हुआ कैसे, ये बात आपको अभी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों कभी ये कह देगा कि एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, यह सवाल पूछा जाता है कि एक बेलन और शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा, यानी वॉल्यूम का रेशियो। तो आप जानते हैं कि बेलन अगर पहले कहेगा
तब बेलन का पहले लिख दीजिएगा आयतन और शंकु का एक बट्टा तीन पाई आर स्क्वायर और एच करिएगा। एच क्यों? क्योंकि ऊंचाई समान कहा गया, ये दोनों की ऊंचाई समान है, त्रिज्या भी समान बोला जाए, इसकी भी त्रिज्या वही और इसकी भी त्रिज्या वही और अनुपात कहे तो हो गया। अब पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट जाता है, तीन भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी तीन ऊपर आ गया एक उधर रह गया, तीन अनुपात एक हो गया, मतलब उसका ये तीन गुना है, समझे कि नहीं, इसका ये क्या गुना है, तीन गुना है। लेकिन दोस्तों कन्फ्यूजन तो तब होता है बच्चों को, यहां तक तो सबको आ जाता है, कन्फ्यूजन तब होता है जब सवाल कह देता है कि गोला और एक बेलन और एक शंकु तीनों का त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो इनके आयतन का अनुपात बताइए। आइए चलिए हम उस चीज को सीखते हैं। ये गोला बहुत बड़ा गोला हम लेके आए हैं, अपने से भी बड़ा हम लाए हैं। अब आ जाइए आपके सामने है गोला। दोस्तों जरा गौर करिएगा, बहुत सारे बच्चों को ना कन्फ्यूजन होती है कि भाई गोला की ऊंचाई कैसे होता है, वो किधर होता है ऊंचाई, तो जरा गौर करिए। ये जो आप देख रहे हैं ये त्रिज्या ही है ना, और ये भी आपको क्या है, त्रिज्या ही है, त्रिज्या ही है, आप देख रहे हैं यहां से यहां तक आए त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या ही है, और इधर से फिर यहां मिला दिए तो ये भी त्रिज्या है, यानी दोस्तों दो गो आर के बराबर इसकी ऊंचाई होती है। इसकी ऊंचाई जो होती है किसके बराबर होती है, दो आर के बराबर होती है। समझ गए कि नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि आसानी से समझ में आया होगा। देखिए इसका डायमीटर, मतलब इस गोला का डायमीटर कहिए, यही तो इसकी ऊंचाई है। ये गोला का मान लीजिए कि एगो फुटबॉल ले लिए हैं, आप फुटबॉल में छड़ भोंक दें आ इधर से उधर निकाल दें, ठीक है ना, और जितना वो फुटबॉल के अंदर से रहेगा छड़ वही तो उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इधर से उधर पार कर गया, मतलब ये छड़ यहां से यहां तक यही हो गई इसकी ऊंचाई, और ये ऊंचाई कैसे होगी, तो यहां से यहां तक त्रिज्या और यहां से यहां तक भी त्रिज्या, तो दो गो त्रिज्या के बराबर इसकी ऊंचाई होती है, यानी इसकी ऊंचाई 2r के बराबर। मुझे लगता है कि स्पष्ट तरीके से आपको यह बात समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले गोला है, फिर बेलन है, और फिर यहां पर क्या है, शंकु। इनकी बोला जाए कि त्रिज्या समान, क्या बोला जाए आपसे, त्रिज्या समान और इनकी ऊंचाई समान, ऊंचाई समान है तब इनके आयतन का अनुपात पूछा जाए। आयतन का अनुपात क्या होगा या रेशियो क्या होगा, वही बात हुआ, अनुपात क्या होगा। चलिए इस गोला में अगर त्रिज्या आर है तो सबकी त्रिज्या आर होगी दोस्तों, सबकी त्रिज्या क्या होगी, आर, सबकी त्रिज्या क्या है, आर है। अब आ जाइए तो इनकी ऊंचाई कितनी हो गई भैया, तो ऊंचाई हो गई सीधे 2r। अब तो जब ऊंचाई समान बोला गया है, ऊंचाई समान बोला गया है तो इसकी भी ऊंचाई हो गई 2r, नहीं, इसकी भी ऊंचाई क्या होगी, 2r, माने इनकी ऊंचाई किसके बराबर, 2r के बराबर। का है, का है कि बोला जाए सवाल में कि त्रिज्या समान है और ऊंचाई समान है, तो बताइए गोला के ऊंचाई होता है यहां से यहां तक दुगो त्रिज्या के बराबर, तो ये भी ऊंचाई जो होगा दुगो त्रिज्या के बराबर, ये भी ऊंचाई दुगो त्रिज्या के बराबर, समझ गए कि नहीं, हो गया ऊंचाई। अब गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये गोला का आयतन, अनुपात। बेलन का होता है क्या अभी बताए थे, आधार का क्षेत्रफल, आधार है पाई आर स्क्वायर, और एच तो एच यहां ना रख के ये ऊंचाई किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो 2r, ऊंचाई कितना 2r, चूंकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच के जगह 2r आ गया। अनुपात शंकु, तो शंकु होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर तो सबका वही है, और एच तो एच किसके बराबर भैया, 2r के बराबर। अब आ जाइए ये आर क्यूब आर स्क्वायर गुना आर, आर क्यूब हुआ और आर स्क्वायर आर क्यूब, यानी आर स्क्वायर इन टू आर, आर क्यूब ई टू, ये देखिए आर और आर स्क्वायर, आर क्यूब और आर क्यूब, ये आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब कट गया। अब समझिए दो इसमें भी है, तो दो से एक बार में दो, दो से एक बार में दो, और दो से चार कटा दो बार में। अब इधर बच गया आपका 2/3 अनुपात, इधर कौन बचा, कुछ नहीं एक बचा, अनुपात इधर कौन बचा 1/3, अच्छा पाई इसमें भी, पाई इसमें भी, पाई इसमें भी कट गया।
अब बताइए 3 1 3 का, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक एलसीएम ले लीजिए, 3 1 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा, क्योंकि अनुपात वाला में हम ऐसे ही करते हैं इसको। देखिए 3 1 3 का एलसीएम 3, 3 1 कम 3 तो ये 2 1 कम 2 अनुपात, 1 से 3 को काटेंगे 3 बार में तो 3 होगा अनुपात, अब 3 से 3 एक बार में तो यहाँ 1 होगा, यानी 2:3:1 में इनके आयतन का रेशियो हो जाएगा। यानी कि जब कभी गोला, बेलन, शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई समान होगा तो इनका जो रेशियो होगा आयतन का यानी वॉल्यूम का, इनके किसके आयतन, वॉल्यूम के, यानी वॉल्यूम के अनुपात या आयतन का अनुपात कहिए, वो 2:3:1 में होगा। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत कुछ सिखा के गया होगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।